एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट एक्टिविटी करने वाले हैं, mandala.art। मंडाला संस्कृत शब्द मंडल से आया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कैसा होता है? गोल। हमारी पृथ्वी कैसी होती है? गोल। चांद सूरज कैसे हैं? गोल। पानी की बूंद कैसी होती है? गोल। इसीलिए इस आर्ट फॉर्म में भी हम गोल गोल डॉट्स की मदद से सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं mandala.art। mandala.art को हम पेपर पे भी बना सकते हैं, कपड़े पर भी बना सकते हैं, या और दूसरी प्लेन चीजों पर भी बना सकते हैं। जैसे ये एक स्टोन था, उसके ऊपर हमने डॉट आर्ट की है और इसको हम पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं। ये एक मग था जिस पर मैंने ये mandala.art किया है। ये एक बाउल था जिस पर मैंने बहुत ही सिंपल डॉट आर्ट की है। ये भी एक मग था, ये देखिए, ये भी एक बाउल था। mandala.art करने के लिए आपको कलर्स की जरूरत होगी। इसके लिए मैंने ये एक्रिलिक कलर्स लिए हैं, पेंसिल, टूथपिक, ईयरबड्स और कलर्स। जब हम करेंगे और हमें अपनी पेंसिल को पोंछने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको इस सॉसर के ऊपर बहुत ही बेसिक सा डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये पेंसिल ले रही हूँ और ये पेंसिल के पीछे रबर वाली पेंसिल है और ये मैंने व्हाइट एक्रिलिक कलर लिया है। मैंने इसको डिप किया इसके अंदर और मैं इसके चारों एंड्स पे ये डॉट लगा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बेसिक डिजाइन मैं आपको बताऊंगी और आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। एक बार डॉट का पैटर्न बनाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए सुखा के रख दीजिएगा, ताकि जब आप दूसरी लेयर लगाएं तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज ना करें। अब हम दूसरी लेयर स्टार्ट करेंगे और हम बिल्कुल सबसे पहले बीचों बीच एक डॉट लगाएंगे, ताकि हमारा पैटर्न इवन रहे और हम इसके आसपास बराबर डॉट्स लगा सकें। येलो कलर की डॉट्स लगाने के बाद मैंने उनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया था सूखने के लिए। अब मैं थर्ड लेयर ग्रीन कलर से लगा रही हूँ और उसके लिए मैं ईयरबड का यूज कर रही हूँ। ईयरबड से थोड़े मोटे डॉट्स लगते हैं और सबसे पहले मैंने सेंटर में डॉट्स लगाए हैं और उसके बाद मैं साइड्स में डॉट लगा रही हूँ। ये देखिए, हमारी थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गई है और हम इसको भी 3-4 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। ग्रीन कलर की जो लाइन डॉट्स हैं वो सूख गई हैं और अब मैं फोर्थ लाइन बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैं पिंक कलर का यूज कर रही हूँ, पर इसमें अब मैं थोड़ा डिफरेंट पैटर्न लूंगी और दो ग्रीन डॉट्स के बीच में ये पिंक डॉट लगाऊंगी।